स्वागत किया जाए। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। जोरदार तालियों के साथ उनका स्वागत करें बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा, और उनके ऊपर जो जिम्मेदारी है उसी का निर्वहन वो करने जा रहे हैं। बहुत स्वागत है। आज मुझे रिपब्लिक भारत के कार्यक्रम में आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। आयोजकों को मैं इसके लिए धन्यवाद भी देता हूं, और मुझसे अर्णव जी ने आशा रखी है कि मैं कुछ भारतीय जनता पार्टी के बारे में, वर्तमान राजनीतिक परिस्थितियों में भारतीय जनता पार्टी का रोल और किस तरीके से हम पार्टी को आगे बढ़ा रहे हैं इसके बारे में कुछ चर्चा करूं, ऐसी मुझसे आशा है। सबसे पहले तो मैं बताना चाहता हूं, क्योंकि राजनीति और राजनीतिक दल के साथ मेरा जुड़ाव बड़े यंगर डेज में हो गया था, इसलिए एक लंबी राजनीतिक यात्रा का मैं सहभागी भी रहा हूं और सहयात्री भी रहा हूं, और मुझे उसको बहुत नजदीक से देखने का मौका भी मिला। मैं ये बड़े स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं कि 2014, when the Prime Minister Narendra Modi takes over the reins of India as the Prime Minister, as the Pradhan Sevak, उस समय से लेकर अब तक हम देखते हैं कि भारत के राजनीतिक संस्कृति को उन्होंने बदल डाला है। चुनाव होते हैं, सरकारें आती हैं जाती हैं, यह तो चलता है, लेकिन उन्होंने राजनीति की परिभाषा बदल दी, उन्होंने राजनीति के संस्कृति बदल दी। एंड व्हेन आई सो सो दैट ही हैज चेंज्ड द पॉलिटिकल कल्चर ऑफ द कंट्री, इसके पहले क्या होता था? इसके पहले यह होता था कि वोटों के जमावड़े को जोड़ने के लिए कास्ट, क्रीड, रिलीजन, रीजनलिज्म, कौन सा एंगल बैठता है उसको बैठ करके चलाना और अपने लोगों को जोड़ करके सरकारें बनाना। दूसरी बात, जब सरकार बन जाती थी तो वो सरकार लोगों की नहीं होती थी, वो किसी जाति की होती थी, वो किसी धर्म की होती थी, वो किसी एक एरिया को रिप्रेजेंट करने वाली होती थी। So you used to take the confidence of the people and then use it for yourself. This was the culture before. But in 2014, the culture of the political culture of the country changed, and it became a politics of report card, performance, accountability, delivery, last mile delivery. ये नए नए शब्द राजनीति में हम लोग को देखने को सुनने को मिले, और उसी को प्रधानमंत्री मोदी जी ने बखूबी आगे बढ़ाने का काम किया। अब इकोनॉमी की बात करें, अब कोरोना तो अमेरिका में भी आया, कोरोना तो यूरोप में भी आया, कोरोना तो जापान में भी आया, कोरोना तो ऑस्ट्रेलिया में भी आया। आज इनकी इकोनॉमी देखिए तो ये लड़खड़ाती इकोनॉमीज है, लेकिन भारत की इकॉनमी कोरोना के बाद और यूक्रेन के वॉर के बाद, इट इज वन ऑफ द मोस्ट स्टेबल इकॉनमी विच वी हैव गॉट, विच वी हैव टू अंडरस्टैंड। नाउ दिस डिपेंड्स ऑन द डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी। वेस्ट एंड फार ईस्ट दोनों ये डिसाइड ही नहीं कर पाए कि लॉकडाउन लगाना कि नहीं लगाना, लगाना कि नहीं लगाना। कोरोना आके चला भी गया, ये फैसला ही नहीं कर पाए कि इकॉनमी जरूरी है या ह्यूमैनिटी जरूरी है। लेकिन हमारे नेता मोदी जी ने कहा, जान है तो जहान है, और जब कोरोना के लिए हमने बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर लिया तो मोदी जी ने कहा, जान भी है और जहान भी है। दिस इज प्रिसिशन,
ये छोटी बातें नहीं है, ये 140 करोड़ की जनता की भविष्य को तय करने वाली है। ऑन 20th जनवरी 2020 वी गेट द फर्स्ट केस ऑफ कोरोना। ऑन 20th अप्रैल 2020 प्राइम मिनिस्टर सेट्स अप अ टास्क फोर्स एंड विद इन 9 months वी हैव 2 इंडिजिनस वैक्सीन्स and we have been vaccinated 220 crores with double dose and along with the booster. This is India, this is Bharat, jisko humko samajhna chahiye. Ab main jab economy ki baat karta hu, jis desh ne humko 200 saal raj kiya, aaj hum chhalang laga karke 10th se 11th position se 5th position pe aa gaye hain and we have overtaken Great Britain. This we have to understand. And now it is projected not by us but by the economic organizations that by 2028 we will be number 3 economy in the world. This is it. Agar hum baat kare, ab dekhiye अपॉर्चुनिटी क्राइसिस को अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट कैसे किया जाता है, आपदा को अवसर में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। पिछली 100 साल पहले जब कोरोना आया था तो बीमारी से ज्यादा लोग भूखमरी से मर गए थे। पीपल हैड डाइड बिकॉज ऑफ हंगर देन द डिजीज इटसेल्फ। तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना में 80 करोड़ पीपल विल बी गेटिंग 5 किलो व्हीट, 5 किलो पैडी राइस एंड 1 किलो पल्स, ये हम देंगे, कोई भूखा नहीं सोएगा। द इंपैक्ट इज दैट नाउ आईएमएफ सेज दैट 13.5 करोड़ पीपल हैव कम आउट ऑफ द बिलो पॉवर्टी लाइन, गरीबी की रेखा से ऊपर निकल आए हैं। ये आज इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड है और इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड ये भी कहता है कि लेस देन 1% एक्सट्रीम पॉवर्टी जो है दैट हैज बीन रिड्यूस्ड टू लेस देन 1% इन इंडिया, ये हमारे सामने आता है। एंड इट इज ऑल्सो प्रोजेक्टेड दैट इन 2028 India will be contributing in the world economy 18% contribution India ka hoga, Bharat ka hoga, ye humko samajhna chahiye. Inflation corona ke samay 12% tha, aaj wo 6.3% pe hai. In fact IMF bolta hai ki ye 23 mein bhi yahi rahega, 24 mein bhi yahi rahega. Usi tarike se hum dekhen to agricultural budget has increased by 6 times. Aur dekhiye वी हैव टू अंडरस्टैंड, ये ठीक है देश को मजबूती करने के लिए 2 बातों पर प्रधानमंत्री जी ने ध्यान रखा, दुनिया में भारत की इज्जत होनी चाहिए इसलिए सिक्योरिटी, नेशनल कॉन्फिडेंस, नेशनल स्टैंड, नेशनल इंटरेस्ट, हमारे इंटरनेशनल रिलेशन इस बात पर तय होते हैं वेयर डज इंडिया इंटरेस्ट लाइज और इंडिया अपने इंटरेस्ट को परस्यू करते हैं, इस बात को हम लेकर के चलते हैं। इसलिए G20 ये सब रहा, लेकिन पीएम ऑल्सो फोकस्ड ऑन गांव, गरीब, वंचित, पीड़ित, शोषित, दलित, महिला, युवा, किसान, इन सब को जब तक ये मजबूत नहीं होंगे तब तक देश मजबूत नहीं होगा, इसको हमको समझ लेना चाहिए। A number separates the ordinary from the remarkable and the average from the best there is. Opta calculates a single number from hundreds of metrics to rate each and every football player. प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत, नाउ 50 करोड़ पीपल गेटिंग 40% ऑफ इंडियन पॉपुलेशन गेटिंग ए 5 लाख रुपी पर ईयर हेल्थ कवरेज। अगर हम बात करें टैप वाटर कनेक्शन, आई बिकेम एमएलए, माय पार्लियामेंट्री लाइफ स्टार्ट फ्रॉम 1993, आई वाज फर्स्ट बिकेम एमएलए 1993। एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम जब हम गांव में जाते थे गर्मियों में जाना मुश्किल होता था क्योंकि महिलाएं घेर लेती थी, ये मैं 3 किलोमीटर नीचे से पानी ला रही हूं, गर्मी में पानी नहीं है, मेरे बाल, सर के बाल देखो उड़ गए घैला उठा उठा करके, 3-3 आवर्स लगते थे। नाउ 100% टैप कनेक्शन हैज बीन प्रोवाइडेड एंड 9 करोड़ घरों को टैप कनेक्शन दिया गया है, हर घर में। दिस इज द डिफरेंस।
इफ आई टॉक अबाउट गैस कनेक्शन, आप लोग पता नहीं है, मैं तो गांव में रहा हूं, मुझे तो गांव का पता है। बहने 4 बजे सुबह उठती थी, 5 बजे जंगल में जाती थी, लकड़ियां काट के लाती थी, लकड़ियां गीली होती थी, कच्ची होती थी, उसको जलाती थी, उससे धुआं उठता था, उनके फेफड़े खराब हो जाते थे। यह हमने गांव की जिंदगी देखी है। और आप लोगों ने बहुत से स्टोरीज कवर किए होंगे प्लेन इलाके के, जहां बहने 2-2 किलोमीटर 3-3 किलोमीटर पैदल जाकर के वो कहीं पर कोई टैंकर आया हुआ है उससे पानी ले रही है। नाव सॉरी पानी की बात करूं, मैं उज्ज्वला योजना की बात करूं, तो उज्ज्वला योजना की दृष्टि से देखा जाए तो आज जब गैस कनेक्शन दिया जाता है तो 5 मिनट के अंदर महिलाएं अपने घर में चाय पिलाकर परिवार को उठाकर घर के काम में जुट जाती हैं। दिस इज एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन विच वी हैव टू अंडरस्टैंड। तो चाहे टैप कनेक्शन हो, चाहे उज्ज्वला हो, प्रधानमंत्री आवास योजना 3.5 करोड़ घर बन गए, 4 करोड़ घर सैंक्शन हुए। अब मैं इसको भी सुनाई देता हूं क्योंकि मेरे साथ ये घटी हुई है। मेरे BDO साहब आते थे, उनको देख, BDO मीन्स ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, तो BDO साहब बोलते थे, तो वो आते थे मेरे घर पर, तो मैं उनको हंसते हंसते बोलता था, कहिए BDO साहब क्या खुशखबरी है। बोला एक खुशखबरी है। मैं कहता बताओ। बोले आपको एक पंचायत में 2 इंदिरा आवास योजना मिली है, बताइए किसको दूं मैं। मैं कहता था साहब आप ही रख लो, जिसको मर्जी उसको दे दो, मैं तो बांट नहीं सकता हूं, क्योंकि 1 अनार 100 बीमार कैसे बांटूंगा। टुडे 4 करोड़ प्रधानमंत्री आवास योजना हैज बीन सैंक्शन, 3.5 करोड़ लोगों को मिल गए। तो मैं अगर सुनाने लगूं आपको कि किस तरीके से चेंज आया, किस तरीके से, अब जनधन योजना, less than 3 crore पीपल हैड क्रॉस्ड और एंटर्ड इन टू द बैंक एंड हैड बैंक अकाउंट्स। नाउ 49 crore वेमेन एंड मेन हैव गॉट जनधन योजना। ये जनधन योजना स्कीम ही नहीं चली थी, यानी इनफॉर्मल इकोनॉमी को फॉर्मल इकोनॉमी कन्वर्ट करने में ये जनधन योजना का जो योगदान है, और डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर में जितना बड़ा योगदान है वो हम सबके ध्यान में आता है। अगर मैं स्वच्छ भारत की बात करूं, आई रिमेंबर माय कलीग्स, माय फ्रेंड्स, माय पार्लियामेंटेरियंस, कांग्रेस के लोगों ने हेठी की थी, मजाक उड़ाया था प्रधानमंत्री का, योर प्राइम मिनिस्टर स्पीक्स अबाउट स्वच्छता अभियान फ्रॉम द रैमपार्ट्स ऑफ रेड फोर्ट, लाल किले के प्राचीर से बात करता है, ये कोई बात करने की बात है? उनको मालूम नहीं था कि प्रधानमंत्री प्रोवाइडेड 12 करोड़ लोगों को टॉयलेट दिया गया, 12 करोड़ लोगों को। अब ये 12 करोड़ बहने, यू अंडरस्टैंड, राम मनोहर लोहिया हैड सेड इन 66 इन पार्लियामेंट that I feel ashamed that when I go travel on the national highway, मैं झुंड की झुंड महिलाएं देखता हूं जो सवेरे अपने डेली नित्य कर्म के लिए वो रोड से जाती हुई देखता हूं। कैसी डिग्निटी थी इनकी, कैसी कैसी लाइफ थी इनकी। एंड 12 करोड़ वुमेन मींस 12 करोड़ चिल्ड्रन ऑल्सो, 12 करोड़ फैमिलीज ऑल्सो, वॉट टाइप ऑफ लाइफ दे वर लीडिंग। और टूडे स्वच्छता अभियान में 12-12.5 करोड़ स्वच्छता के टॉयलेट्स दे करके विमेन विद डिग्निटी विद एम्पावरमेंट आज खड़ी हैं, ये हमको समझ में आना चाहिए। तो अब हम अगर इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, आपने ही देखा होगा, अगर किसी को ये उत्तर प्रदेश के पास के गाजियाबाद से आगे किसी शहर की ओर चले जाना पड़े तो शाम हो जाती थी। आज किसी से पूछो, मैं बस आधे घंटे में आ जाऊंगा, मैं 1 घंटे में आ जाऊंगा। कैसे आ जाओगे, अब तो हाईवे है जी, हाईवे है जी, हाईवेज, रोडवेज, एयरवेज, वाटरवेज, रेलवेज, सब पर इतना इंफ्रास्ट्रक्चर में काम हुआ है। एंड यू कैन सी द डिफरेंस, आपको दिखता होगा, या तो रोड बन रही है या रोड बन करके तैयार है, लेकिन सब जगह 4 लेन है वो 6 लेन हो रही है। तो दीज आर द डेवलपमेंट्स विच आर टेकिंग प्लेस। और ऐसे में बहुत सी चीजें बता सकता हूँ। अगर हम डिफेंस की दृष्टि से देखें तो हमारा जो एक्सपोर्ट्स है वो 8 times बढ़ा है, पल्स प्रोडक्शन 42 times बढ़ा है, और उसी तरीके से रोजगार के लिए भी 9 रोजगार मेले लगा करके 6 लाख लोगों को सरकारी नौकरी प्रधानमंत्री मोदी जी ने दी है, ये भी हमको ध्यान में रखना चाहिए।
अभी विमेन रिजर्वेशन हुआ, नारी शक्ति वंदन का कार्यक्रम, अब ये किस बात के लिए रुका हुआ था, क्यों रुका हुआ था? इच्छा शक्ति आई और प्रधानमंत्री जी ने नारी शक्ति वंदन के विधेयक को पास किया। 33% ऑफ द पॉपुलेशन, 33% ऑफ इंडियन वुमेन आर गोइंग टू गेट रिजर्वेशन इन पार्लियामेंट एंड इन विधानसभा। ये परिवर्तन आया है, इसको भी हमको समझना चाहिए। तो ऐसे बहुत सी चीजें हुई हैं जो कुल मिलाकर के हमारे को बताती हैं कि किस तरीके से कार्यक्रम चल रहा है और आगे हम बढ़ रहे हैं। अब देखिए, आजकल लोगों को ओबीसी का बहुत चर्चा शुरू हुई है, पार्लियामेंट में भी ओबीसी की चिंता, ओबीसी की चिंता। मैं कांग्रेस से पूछना चाहता हूं, काका कालेलकर, कि रिपोर्ट को किसने रिजेक्ट किया था? हु वॉज दैट प्राइम मिनिस्टर? इट वॉज योर ग्रेट ग्रैंडफादर जवाहरलाल नेहरू। किसने ठंडे बस्ते में मंडल कमीशन को डाला? इट वॉज योर ग्रैंड मदर। किसने ठंडे बस्ते में मंडल कमीशन को डाला? इट वॉज योर पूजनीय पिताजी। यही थे, इन लोगों ने डाला। और अगर मैं आपको स्वर्गीय राजीव गांधी जी की पार्लियामेंट की स्पीच बताऊं तो उन्होंने क्या कहा था, ना ना जात पे ना पात पे। ये जाति को उन्होंने रिजेक्ट किया था। एंड ही हैड सेड दैट रिजर्वेशन शुड बी डन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, ये उन्होंने कहा था। एंड अवर गोल इज टू हैव ए कास्टलेस सोसाइटी। और आज मैं ये कह सकता हूं, जात हो या बात हो, सत्ता अपने हाथ हो, ये उनका उद्देश्य बन गया है। इसलिए ये कलर्स, दे चेंज कलर्स, आज दे आर बिकमिंग चैंपियंस ऑफ ओबीसी। और चैंपियंस मैंने पार्लियामेंट में भी कहा था कि एक तरफ आप ओबीसी को गाली देते हो, माफी भी नहीं मांगते हो, तुम्हारी तुमको इतना अभिमान है, घमंड है कि तुमको माफी मांगने में भी शर्म आती है, और फिर ओबीसी की दुहाई देते हो, एक बार नहीं अनेकों बार गाली देते हो। तो ये जो आपके चेहरे हैं, ये सब लोगों को मालूम है, सबके ध्यान में है, ये सब हम जानते हैं। जहां तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है, देखिए, हमारी कोशिश है कि हम कॉन्स्टेंटली पग पग पर आगे बढ़ते चले जाएं, नॉट फॉर एनीबडी टू रिमेन इन पावर, बट फॉर टू चेंज द डेस्टिनी ऑफ द कंट्री, टू ब्रिंग इट गुड नेम टू द कंट्री। भारत मजबूत हो, भारत के लोग मजबूत हो, ये हमारा उद्देश्य है। और इसके लिए हम काम करते रहते हैं, जुड़े रहते हैं। आज हमारे पास, हम लोगों ने जहां 303 एमपीज हमने चुनाव में जीते, वहीं मैं आपसे कहना चाहूंगा कि आउट ऑफ 21 विधानसभा आफ्टर 2019 वी हैव वन 13 विधानसभा इलेक्शंस, ये हमारा रिकॉर्ड रहा है आउट ऑफ 21। महाराष्ट्र में हम सिंगल लार्जेस्ट पार्टी हैं, उत्तर प्रदेश में हमने सरकार दोबारा बनाई है, उत्तराखंड में हमने दोबारा बनाई है, गोवा में हमने तीसरी बार बनाई है, मणिपुर में विशुद्ध भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, नॉर्थ ईस्ट में हमने अपने आप को रिपीट कर लिया है, त्रिपुरा, मेघालय और नागालैंड में, बंगाल में हम 3 सीट से बढ़े थे, 77 सीट तक चले गए, हमने वहां पर परसेंटेज अपना 38.1% वोट शेयर बढ़ाया है। तो हम कोशिश कर रहे हैं। और जहां तक असेंबली इलेक्शन का सवाल है, वी हैव वन बाई इलेक्शंस 96 और पार्लियामेंट्री बाई इलेक्शंस 8 में से 6 हम जीत करके आए हैं। तो एक हमारा कांस्टेंट ग्रोथ पार्टी के दृष्टि से हुआ है। अभी चुनाव मध्य प्रदेश के हैं, अभी राजस्थान के हैं, अभी छत्तीसगढ़ के हैं, तेलंगाना के हैं और मिजोरम के हैं। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि भारतीय जनता पार्टी इन सभी चुनावों में अच्छा करेगी और सरकार में हम आएंगे, इस बात का हम प्रयास करेंगे। जहां तक मध्य प्रदेश का सवाल है, हमने वहां पर गुड गवर्नेंस के माध्यम से लोगों को एम्पावर किया है। जहां तक राजस्थान का सवाल है, हमको मालूम है वहां विमेन के किस तरीके से एक्सप्लॉयटेशन हुआ है, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन का क्या हाल है, छत्तीसगढ़ में करप्शन, उसी तरीके से राजस्थान में करप्शन, दीज आर इश्यूज, जिन इश्यूज पर हम चुनाव लड़ने वाले हैं। और तेलंगाना में भी आपको मालूम है कि किस तरीके का नॉन परफॉर्मिंग गवर्नमेंट है, तो वी आर ट्राइंग टू गो फॉरवर्ड इन दैट डायरेक्शन और उसमें हम काम करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगा, चुनाव के दृष्टि से बहुत सी बातें कर सकता हूं, एक बात मैं, आई विल यूज दिस प्लेटफॉर्म टू हैव ए
पॉलिटिकल डिस्कोर्स ऑन दिस एंड दैट पॉलिटिकल डिस्कोर्स इज, मुझे कई बार लोग क्रिटिसाइज करते हैं कि तुम्हारे में, तुम कहते हो सारी पार्टियां खत्म हो जाएंगी। नहीं, मैंने ऐसा कभी नहीं कहा कि सारी पार्टियां खत्म हो जाएंगी, पर मैंने इतना जरूर कहा कि जिस रास्ते तुम चले हो तो तुम बढ़ नहीं पाओगे, खत्म ही हो गए, ये बात पक्की है। ये हम नहीं कह रहे, ये तुम्हारे रास्ते कह रहे हैं। देखिए, थोड़ा सा हमको दो तीन चीजें अंडरस्टैंड करनी चाहिए। पहली चीज अंडरस्टैंड करनी चाहिए कि ये जो आप अलायंस बता रहे हो, इंडी अलायंस, इस इंडी अलायंस में नया है क्या? अरे भाई, गुटकर ग्रुप में तुम पहले से इकट्ठे जम्मू कश्मीर में थे कि नहीं थे? नया क्या जुड़ा? उल्टे और दो तीन पार्टियां तुम्हारे खिलाफ वहां खड़ी हैं। पंजाब में आप नया अभी तक क्या जोड़ पाए हो? हरियाणा में आप नया क्या जोड़ पाए हो? दिल्ली में आप नया क्या जोड़ पाए हो? उत्तर प्रदेश में आपके साथ नया क्या जुड़ रहा है? आप मध्य प्रदेश का किस्सा देख ही रहे हैं, नो एंट्री है। तो आफ्टर ऑल ये सारी चीजों को आप देखिएगा तो आप अलायंस अलायंस कर तो रहे हो, लेकिन कौन किसको जोड़ रहा है, कहां जुड़ रहा है, ये तो मेरे को समझा दो। तो सिर्फ कम साथ खड़े हो जाने से वोट खड़ा हो जाता है, ये नहीं होता, इस बात को भी हमको समझना चाहिए। लेकिन ठीक है, आपके आपको आपको मैं कितने राजनीतिक सूझबूझ क्यों दूं, ये आप जानो, आपको आप आपको मुबारक, आपका अलायंस होता है बहुत अच्छी बात है, आप कर लो, हमें कोई तकलीफ नहीं है। लेकिन मैं इससे नई बात कहना चाहता हूं, और इसलिए मेरी एज नेशनल प्रेसिडेंट ऑफ भारतीय जनता पार्टी दिस बिकम्स माय रिस्पॉन्सिबिलिटी। देखिए, कांग्रेस ऑल इंडिया पार्टी रही है, लेकिन कांग्रेस धीरे धीरे सिकुड़ती हुई कमजोर होकर के इसका ऑल इंडिया प्रेजेंस धीरे धीरे कम हो गया। तमिलनाडु में 60 इयर्स हो गए पांव उखड़े हुए, 60 इयर्स हैव पास्ट, दोबारा सत्ता में नहीं आ पाए। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना आपने बनाया, आप दोनों जगह से उखड़ गए। आप महाराष्ट्र में सिकुड़ गए, आप गुजरात में समाप्त हो गए, आप उड़ीसा में समाप्त हो गए, आप वेस्ट बंगाल में समाप्त हो गए, आप उत्तर प्रदेश जहां इतने चीफ मिनिस्टर्स उत्तर प्रदेश में कांग्रेस ने दिए हैं, आज वहां से आप समाप्त हो गए। और एक रीजनल पार्टी 24 करोड़ की जनता पर हमारे से विरोध में खड़ी है, कभी आपने सोचा ये क्या हो रहा है? ये इसलिए हुआ क्योंकि आपने नेशनल एस्पिरेशंस के साथ साथ रीजनल एस्पिरेशंस को ब्लेंड नहीं किया, आपने उसको जोड़ा नहीं, और इसलिए आपके एरोगेंस से आप धीरे धीरे चले गए। दूसरी बात मैं बताना चाहता हूं कि रीजनल पार्टीज हैव स्लोली बिकम फैमिली पार्टीज। फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला मुफ्ती साहब थे, महबूबा मुफ्ती आ गई, प्रकाश सिंह बादल, सुखबीर बादल, नीचे चौटाला फैमिली, उससे नीचे आइए तो उत्तर प्रदेश में आ जाइए तो मुलायम सिंह, अखिलेश, डिंपल, फुल स्टॉप। आप बिहार चले जाइए, लालू, रावड़ी, तेजस्वी, मीसा, फुल स्टॉप, तेज प्रताप, फुल स्टॉप। आप वेस्ट बंगाल चले जाइए, पीसी, भाईपो, फुल स्टॉप। आप नवीन बाबू की पार्टी देखिए, अकेले ही हैं, जो हैं सो हैं बस है, बाकी सब बाहर। आप वाईएसआर की पार्टी को देखिए, वाईएसआर थे, अब जगनमोहन रेड्डी है, वहां भी परिवार में आगे कलह हो गई है। आप केसीआर की बात कीजिए, बीआरएस की बात कीजिए, टीआरएस की बात कीजिए, केशव चंद्रशेखर राव की बात कीजिए, तो केसीआर, केटीआर, बेटी, दामाद और बेटा, बाकी फुल स्टॉप। आप महाराष्ट्र की बात कीजिए, शरद पवार और सुप्रिया, बाप बेटे रह गए। आप उद्धव की बात कीजिए तो उद्धव, आदित्य, परिवार, फुल स्टॉप। अब मैं ये कहता हूं कि इस देश को, नेशन को चलाने के लिए 140 करोड़ की जनता को नेतृत्व देने के लिए ऑल इंडिया पार्टी बनना हो तो आपको परिवारवाद से निकलना होगा, नहीं तो फुल स्टॉप लगना ही है, इसमें कोई दो राय नहीं है, ये मेरा कहना। दिस इज अनसाइंटिफिक, दिस विल नॉट वर्क।
और तुम हमसे लड़ने चले आए हो। हम उस पर क्या कह सकते हैं? हम यही सिर्फ कह सकते हैं कि भगवान आपको सद्बुद्धि दे। अरे थोड़ी देर के लिए किसी जगह पर अपनी ताकत जमा लेने से आप मुद्दों के साथ देश को नहीं चला सकते हो। देश को चलाने के लिए इसलिए ये हमारी जिम्मेवारी है, और हम कल प्रेसिडेंट रहे न रहे, भारतीय जनता पार्टी रहेगी और हम विचारों के साथ आगे बढ़ेंगे। ये हमारा उद्देश्य। वी वर्क फॉर दिस, वी वर्क फॉर एन आइडियोलॉजी। अब आप बोलो कैसा लेफ्ट है? वेस्ट बंगाल में दोस्ती करता है, केरला में लड़ता है, समझ में नहीं आता कौन सा ये कौन सी आइडियोलॉजी है। तो ये सब जिस कंफ्यूजन, देखिए आप, यू आई विल बी जज्ड ऑन योर एक्ट्स ऑफ ओमिशन एंड कमीशन, यू आपको मालूम है तो आप जानो। तो मैं तो सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा कि राजनीति में, डेमोक्रेसी में सबको बढ़ने का अधिकार है। भारतीय जनता पार्टी, आप लोग मेरे से हमेशा प्रश्न पूछते रहते हो, इसका क्या है जी, इसने ये बोल दिया, इसने ये बोल दिया। अब भाई छोटी मोटी दुकान लगा करके हर एक जगह हम उस विषय को जिस तरीके से वो रिएक्ट करते हैं वैसे मैं रिएक्ट नहीं कर सकता हूं। क्यों? क्योंकि हम 18 करोड़ की पार्टी है, आइडियोलॉजिकल बेस्ड पार्टी है, करोड़ों लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, लाखों लोगों की एस्पिरेशन है। वी हैव टू वर्क इन ए वेरी रिस्पॉन्सिबल मैनर विथ फुल हम्बलनेस इन अवर कमांड, एंड हमको देखना है कि हम देश के लोगों को किस तरीके से विकास के साथ जोड़ करके मजबूत राष्ट्र बना सकते हैं। मोदी जी के नेतृत्व में इस काम में हम जुड़े हैं, ये हम आपको बताना चाहते हैं। इसलिए मुझे बड़ा उज्ज्वल भविष्य भारतीय जनता पार्टी का और 2024 का दिखता है, और 2024 में हम पूरी ताकत के साथ आगे आएंगे। आप लोगों का आशीर्वाद जरूर हमको मिलेगा, उस आशीर्वाद के साथ हम पूरी ताकत के साथ पार्टी को आगे बढ़ाएंगे, यही मैं कहना चाहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। तो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी को अभी आप सुन रहे थे, जिन्होंने साफ तौर पे विश्वास जताया 2024 को लेकर के जो पार्टी का एजेंडा है उसको लेकर के, और इस वक्त स्टेज पे आ चुके हैं अर्णब गोस्वामी जो आगे बढ़ाएंगे इस चर्चा को। नड्डा जी, पहले आप हमारे इस कार्यक्रम में आए, हमारा सम्मान बढ़ा, बहुत बहुत धन्यवाद। वी आर वेरी ग्रेटफुल और फॉर योर वंडरफुल, वेरी पैशनेट स्पीच, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे सारे दर्शकों की ओर से। एक तस्वीर से शुरू करना चाहता हूं, आप जरा पीछे देखें, अगर वो तस्वीर रेडी है। नड्डा जी के तस्वीर याद है आपको, तो अगर इस तस्वीर को देखें, वैसे ही इज अ यंग मैन, इज वन ऑफ द यंगर लीडर्स ऑफ द पार्टी, पर इसमें नड्डा जी आप कहाँ हैं जरा बता दे, मुझे कहा गया है कि आप, यू आर देयर ऑन द राइट, माय ट्विन ब्रदर देयर, ही इज नाउ अ वाइस चांसलर। सर प्लीज टेक द माइक। सर ये कब की तस्वीर है? दिस इज व्हेन आई वाज अ स्टूडेंट ऑफ 10th स्टैंडर्ड, मे बी 9th, 1974, व्हेन आई सैट फॉर अ फुल डे धरना ऑन द call given by Lok Nayak Jai Prakash Narayan at that point of time. So I was student of, school student of 7th or, sorry, 9th ya 10th ka main vidyarthi hunga. Tab main baitha tha, ye sabse left is this side. It's me. Ah, wonderful. and ye jo beech mein hai, he is my twin brother, who is now taking care of the education sector. And he happens to be one of the IAS officers of Bengal cadre. And one has been the vice chancellor. तो मैंने तस्वीर इसलिए दिखाई ताकि जितने हमारे इधर दर्शक हैं, जितने लोग हैं ऑडियंस में, से 48 years in political life, I think is a long time. और in 2 years, going by this, in 2 years he will complete a half century in politics. So congratulations for that. कभी आपने सोचा था कि भारत के सबसे, और भारत के ही नहीं, आपने कहा 18 करोड़ की पार्टी है, विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी के अध्यक्ष होंगे, तो एक व्यक्तिगत सवाल से शुरू करना चाहता हूं नड्डा जी, व्हेन यू लुक बैक एट योर पॉलिटिकल करियर, ये भी आपकी और एक तस्वीर है, ये जयप्रकाश नारायण जी के साथ मेरी तस्वीर है, दिस इज मी,
film. Jay Prakash Narayan. You're looking like a film star. This is 1977-78. Amazing. Nadda ji, agar aap apne political career ko dekhen, 48 saalon ke career ko, to how do you see it? And how do you see it in the context of the challenge, jo 2024 ki challenge aane wali hai? उसको आप किस तौर से देखते हैं? व्यक्तिगत तौर से मैं जानना चाहता हूं, जो भार आप पे है वो काफी है. हाउ डू यू लुक अपॉन इट? देखिए, जहां तक मेरा व्यक्तिगत सवाल है जी, राइट फ्रॉम माय चाइल्डहुड आई हैड ऑलवेज अ हैबिट ऑफ ट्राइंग टू इंट्रोस्पेक्ट, ट्राई टू नो द रियलिटी, try to assess, judge what is correct, what is wrong. And I always took a very conscious decision that I have to stand by the righteousness. Sachai ke saath khada hona hai. Ye mere thought process mein hamesha raha. Ji. Isliye mujhe koi aisi dikkat nahi aayi. Main us samay UPSC ki taiyari kar raha tha, lekin Jayaprakash Narayan ka andolan ho gaya. तो जयप्रकाश ने कॉल दे दी, मुझे लगा कॉल सही है, तो मैं छोड़ छाड़ करके आंदोलन में आ गया. जब मैं आंदोलन में आ गया तो धीरे धीरे मुझे ध्यान में आया कि यूपीएससी में आई कैन थिंक अबाउट माय करियर, बट देयर आर सर्टेन थिंग्स व्हिच वी हैव टू आंसर. जी जी. एंड पीपल शुड गो टू पॉलिटिक्स ऑल्सो. तो मैं उस तरीके से उस रास्ते पर चल पड़ा. ऐसे ही मेरे जीवन में हुआ. मैंने कभी भी ये नहीं सोचा था कि मैं कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष बनूंगा, और मैं आज भी नहीं सोचता हूं, क्योंकि मैं हमेशा ये सोचता हूं जो काम दिया गया है ईमानदारी से अच्छा कैसे किया जा सके. और 2024 के आपके लिए आपके जीवन का सबसे बड़ा इलेक्शन रहेगा? जी, 2024 का चुनाव मेरे लिए और हमारे सभी साथियों के लिए महत्वपूर्ण चुनाव है. वैसे हर चुनाव महत्वपूर्ण होता है, यह चुनाव भी महत्वपूर्ण है, और मुझे पूरा विश्वास है कि मोदी जी के नेतृत्व में और हमारे कार्यकर्ता और हमारे देश की जनता पर मुझे भरा भरोसा है कि हम फिर से 2024 में आएंगे और लोगों का आशीर्वाद हमको फिर से मिलेगा. आपने अभी अपने स्पीच में कहा कि साथ खड़ा होने से वोट एक वोट खड़ा नहीं हो जाता, मगर जो गणित है उस पर भी थोड़ी एम्फेसिस होगी, क्योंकि एक सवाल है नड्डा जी कि सारी पार्टियां इलेक्शन के पहले अपने राजनीतिक स्वार्थ को छोड़ के सिर्फ एकजुट हो जाए कि किसी तरह से भारतीय जनता पार्टी को हराना है, और अगर स्वार्थ को छोड़े तो मैथमेटिक्स का इंपैक्ट नहीं हो सकता. क्या आप इस बारे में नहीं सोचते? देखिए, प्री पोल अलायंस इज पॉसिबल, हो सकता है. मैं बोलता हूं हो जाए. हाँ, मैं फिर बताता हूं. मैं उत्तर प्रदेश का चुनाव का इंचार्ज था अध्यक्ष बनने से पहले, जब मैं स्वास्थ्य मंत्री था. उससे पहले अमित शाह जी थे. जी. पहले कांग्रेस और समाजवादी का समझौता हुआ, और दूसरी बार कांग्रेस और बीएसपी का समझौता जी हुआ. सब लोगों ने कहा कि बहुत डेडली कॉम्बिनेशन हो गया है, अब तो बड़ा मुश्किल होगा, ये होगा वो होगा. मैंने सबको कहा, देखिए, इलेक्शंस एंड पॉलिटिक्स इज नॉट मैथमेटिक्स, इट इज केमिस्ट्री विच वी हैव टू अंडरस्टैंड. इसलिए मैथमेटिक्स से नहीं होता है, वो ट्रांसफर नहीं होते. माहौल तो बनता है, माहौल बनाने की कोशिश होती है, लेकिन माहौल डिपेंड करता है कि सामने कौन खड़ा है. सामने कौन खड़ा है इस पर डिपेंड होता है कि माहौल क्या बनता है. जब प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में देश चुनाव पर जाएगा, आप देखिएगा माहौल क्या. मगर लोग कहते हैं 10 साल हो चुका है नड्डा जी, 10 साल हो चुके हैं. एंटी इनकम्बेंसी कोई चीज होती है, और इस बार डबल एंटी इनकम्बेंसी है. तो डबल एंटी इनकम्बेंसी प्लस उसके साथ साथ अगर चुनाव के पहले इनका जो समीकरण है वो एक साथ आ जाए प्री पोल अलायंस में, तो क्या माहौल बदल नहीं सकता है 7 महीनों में? अर्णव जी, पहली बात कि यह चुनाव 2019 भी चुनाव, देर वॉज नो एंटी इनकम्बेंसी, देर वॉज प्रो इनकम्बेंसी, एंड दिस टाइम ऑल्सो. और हम 282 से बढ़ करके हम 303 पर गए, और ये ध्यान में रहे कि इस बार डबल प्रो इनकम्बेंसी होगी, डबल प्रो इनकम्बेंसी से आएंगे, हमारी सीटें बढ़ेंगी.
ये बात स्पष्ट। तीन मुद्दे थे, 370 हट गया। दूसरा मुद्दा था राम मंदिर, जो 22 जनवरी को बनने वाला है, उसका बहुत बड़ा दिन होगा। अब तीसरा मुद्दा जो है, देश की जनता, अगर मैं इस ऑडियंस में पूछूं कि वन नेशन वन लॉ होना चाहिए कि नहीं, वन नेशन वन लॉ, यूनिफॉर्म सिविल कोड, यूसीसी, अभी मौका है, आपके पास सीटें भी हैं, आपके पास पॉलिटिकल विल भी है, और मैं इस इलेक्शन से इसको जोड़ नहीं रहा, यह आइडियोलॉजी वाला मुद्दा है। ये तीसरा मुद्दा, क्या चुनाव के पहले क्या लोग आशा कर सकते हैं, जो चाहते हैं इसको, और चाहते हैं कि अगर हम सुपर पावर बनेंगे, हम कभी सुपर पावर तो नहीं बन सकते जब अलग अलग समुदाय, अलग अलग समुदायों के लिए अलग अलग निजी कानून हो, तो यूसीसी क्या हो सकता है, इस पर अगर आप देखिए, यूसीसी के बारे में हम लोग स्टेप बाय स्टेप जो चले हैं, उत्तराखंड में कमेटी बैठाई, ड्राफ्ट उसकी ड्राफ्टिंग कमेटी बैठी, उन्होंने ड्राफ्ट किया है, उसको लेकर के वो आएंगे। उसी तरीके से गुजरात में ड्राफ्टिंग कमेटी बैठी है, स्टेट बाय स्टेट इसको राष्ट्रीय स्तर पर देखेंगे, इसको ये विषय रहा है, लेकिन कैसे स्ट्रेटेजाइज करते हैं वो हम जब करेंगे तो बताएंगे। बस समय की बात है, हो रहा है, ऐसा है, कुछ चीजें रणनीति की होती हैं, वो पर्दे का विषय होता है, उसको पर्दे में ही रहने दिया जाए तो अच्छा रहेगा, मगर उस पर राष्ट्रीय स्तर नहीं, ठीक है, जब करना होगा तो सब लोग मिलके करेंगे, आप हमें बताएंगे। हाँ बिल्कुल, टाइम पर बताएंगे, मई के पहले, थोड़ा पहले नहीं, टाइम पर, विंटर सेशन में नहीं, ऐसा है, देखिए आप तो अनाउंस करते हैं विदाउट वार्निंग, डीमोनेटाइजेशन आपने कर दी, विमेंस रिजर्वेशन बिल आप ले आए, तो ये भी मुझे लग रहा है कुछ नहीं, ये रणनीति का विषय है, और मैंने कहा रणनीति पर्दे का विषय है, और पर्दा उठता सभी है जब उठना होता है। ये रणनीति आपकी सेमीफाइनल बनेगी, ये राज्य का चुनाव जो आने वाले हैं, आपने नड्डा जी नड्डा जी आपने तो सबको भेज दिया रण में, नहीं देखिए रणनीति बन रही है अभी, आपके कई सारे आपने जनरल्स मध्य प्रदेश में भेज दिया, आपने सात सांसदों को भेज दिया राजस्थान में, आपने कितने सांसदों को भेज दिया, कितने पूर्व मंत्रियों को भेज दिया मध्य प्रदेश में, है ना, तो ये सवाल है कि ये क्या रणनीति है। नहीं देखिए, फिर मैं बताऊंगा, नहीं आपने ही डिसाइड किया, एक तो ये सेमीफाइनल नहीं है, सेमीफाइनल नहीं है, नहीं, हम हमेशा ये बोलते हैं, देखिए हर इलेक्शन अलग है, ये कोई लीग नहीं है कि यहां जीत लिया इसलिए आपको वहां पॉइंट मिल गए, वहां जीत लिया यहां पॉइंट मिल गए, हर इलेक्शन अलग है, यहां भी राजस्थान का इलेक्शन अलग है, मध्य प्रदेश का अलग है, छत्तीसगढ़ का अलग है, तेलंगाना का अलग है, हर इलेक्शन अलग है, और हर इलेक्शन को उसी तरीके से एड्रेस करने की जरूरत है, इसलिए सेमीफाइनल नहीं है। दूसरी बात, आपने कही कि आपने इनको भेज दिया उनको भेज दिया, देखिए हम जो चुनाव लड़ते हैं वो पूरी ताकत से लड़ते हैं और पूरी शिद्दत के साथ लड़ते हैं, और उसके लिए जो स्ट्रेटजी बनानी होती है वो बनाते हैं, तो वो हमने बनाई है, पर सेमीफाइनल नहीं है, नहीं सेमीफाइनल नहीं, ये मैं फिर बताता हूँ, जो दिल्ली में एक माहौल बन रहा है कि यही सेमीफाइनल, नहीं नहीं, ये मीडिया में आप लोग कुछ बोल देते हैं तो हो जाता है कि मैंने कहा ना, आप सेमीफाइनल की बात बोल रहे हैं, मैं बोलता हूं हर प्लेग्राउंड एक नहीं होता है, तो जब हर प्लेग्राउंड एक नहीं होता है तो फिर सेमीफाइनल फाइनल कैसे आप कहते हो, हर इलेक्शन अलग अलग होता है, उत्तर प्रदेश अलग ढंग से रिस्पॉन्ड करेगा, बिहार अलग ढंग से रिस्पॉन्ड करेगा, मध्य प्रदेश अलग ढंग से रिस्पॉन्ड करेगा, वेस्ट बंगाल अलग ढंग से रिस्पॉन्ड करेगा, एक स्टेट के इलेक्शन में वहां की लीडरशिप कैसी है, वहां की लीडरशिप और हमारी लीडरशिप पर कैसा कॉम्पिटिशन है, उस पर तय होगा। अब इससे दिल्ली की लोकसभा 2024 तय होने वाली है, ऐसा नहीं है, 2024 का रिजल्ट आ चुका है, वो तय है, वो मोदी जी के नेतृत्व में बनने वाला है। उस दिन धर्मशाला का मैच हो रहा था, इंडिया न्यूजीलैंड, आप बहुत एंजॉय कर रहे थे स्टेडियम में। एंजॉय भी कर रहा था और फिंगर्स क्रॉस करके भी बैठा हुआ था, और जब लंबे समय तक मैंने कहा जब तक ये 200 क्रॉस ना हो जाए हमारा रन रेट, तब तक उस समय आपने देखा 96 में जब विराट कोहली आउट हो गए तो आपका चेहरा बिल्कुल, आप उदास हो गए थे उस समय। तो क्या आपने जो कहा यह अलग अलग प्लेग्राउंड है अर्नब, हाँ। तो आप क्या नड्डा जी, क्या आप थोड़ा सा इस राज्य के चुनावों में क्या आप थोड़ा अपना विकेट को बचा के बैटिंग कर रहे हैं? विकेट को, आर यू प्लेइंग डिफेंसिव? नो, आर यू सेविंग योर विकेट? नहीं, बिल्कुल नहीं, ऑल आउट ऑफेंसिव है, ऑल आउट ऑफेंसिव है, हाँ, और जहां जरूरत पड़ती है, अब इसमें ऑफेंसिव भी उतना ही होना चाहिए ना, कहीं
ऐसा छक्का मारा और आउटर में जाकर के कैच आउट हो गए तो ऑफेंसिव होने का भी फायदा नहीं है। तो इसलिए ऑफेंसिव उतना ही होना है जिसमें हम अपना गोल अचीव कर लें। फैंटास्टिक। आखिरी सवाल, 2024 का प्रेडिक्शन, 303 सीटों से कहां, पहला सवाल उसी में से जुड़ा हुआ, क्या अलायंस और एक्सपेंड करेंगे आप इलेक्शन से पहले या फिर आप सिंगल पॉइंट अपने एजेंडा के साथ जाएंगे? हम अपने सिंगल पॉइंट एजेंडा के साथ जाएंगे और हम अलायंस को लेकर चलेंगे। हमारा तो एनडीए तो है ही हमारा, उसके साथ और पार्टीज जुड़ेंगी। हाँ, जो हमसे जुड़ना चाहे जुड़ेंगे, जरूर जुड़ेंगे, उसमें क्या दिक्कत की उससे बात, कोई आइडियोलॉजिकल प्रॉब्लम हो जाए? नहीं, जो आइडियोलॉजिकली हमारे साथ चलना चाहेगा उन्हीं को जोड़ेंगे ना, तो उनको तो नहीं जोड़ेंगे जो हमारे साथ आइडियोलॉजिकली साथ नहीं चलते। और आपका प्रेडिक्शन क्या है? अच्छा है, हम जी जो हमारा अभी प्रेजेंट टैली है उससे कहीं ज्यादा आगे हम जाएंगे, उससे हम कहीं ज्यादा आगे जाएंगे जो हमारा प्रेजेंट टैली है। नड्डा जी, आज आपने खुलकर हमारे मंच पे आपने बात रखी, हमसे बात की, बहुत बहुत धन्यवाद एंड मेनी कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर ऑल दैट यू हैव डन सो फार इन योर पॉलिटिकल करियर। थैंक यू वेरी मच। अर्नब जी, आपकी बॉलिंग को फेस करना भी आसान काम नहीं है। बहुत मजा आया, बहुत मजा आया, धन्यवाद, थैंक यू सो मच, थैंक यू।